हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइज, अगर मेरी डीपी लगाकर कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर देता है और बोलता है कि आप व्हाट्सएप करें, ठीक है, सो गाइज वो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, मैं पर्सनल रीडिंग्स को प्रोवाइड नहीं करती हूँ, वो स्कैमर्स हैं, आपका पैसा वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं, उनको रिप्लाई ना करें, ठीक है। और हीलिंग पोएट्रीज को सुनना चाहते हो गाइस तो एम्प्रेटेबल फैब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस कि आपके पर्सन आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, कन्फेशन सुनते हैं गाइज उनके, ठीक है। रीडिंग को देखिएगा आप लोग क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या कन्फेस करना चाहते हैं। अनफोल्ड हुआ है कार्ड, इंटीग्रेशन एंड हीलिंग, सॉरो। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, लेटिंग गो, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कन्फेशन मेरे व्यूअर्स के लिए, कंडीशनिंग, ये तो काफी सारे कार्ड्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, माइंड, नथिंगनेस, एडवेंचर, अंडरस्टैंडिंग, लवर्स की एनर्जी है एंड लेजीनेस की एनर्जी भी है। कोई कार्ड अनफोल्ड लग रहा था यहां पे मुझे। शेयरिंग 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 शेयरिंग, ओके, वन मोर कार्ड, फिर एक कार्ड और लेते हैं। सेलिब्रेशन, बॉटम से है इनोसेंस, ठीक है। आई होप गाइज आपको सभी कार्ड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छी मैसेजेस हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, आप इस रीडिंग को सुनिए बस, आपकी कन्फेशन, एक एक कन्फेशन मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट दिस रीडिंग। पहला कार्ड आया है इंटीग्रेशन का, जो क्लियरली दिखा रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो भी हैं, ठीक है, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। उसमें से बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे हैं जो अपने ट्विन फ्लेम या ही सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ डील करें, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी आया है, ठीक है। इसीलिए तो इंटीग्रेशन का कार्ड तो मुझे ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन पहला कन्फेशन ये दे रहे हैं कि उनको इस कनेक्शन की रियलिटी का पता चल गया है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गाइस, ठीक है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी, आपको कुछ नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और बहुत लंबे टाइम से आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो और आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, तो यहां पर पहली चीज मैं आपको ये बता दूं गाइस कि आपके पर्सन की अवेकनिंग यहां पर हो चुकी है, क्योंकि उनको ये चीज पता चल गई है कि आप उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हो उनकी लाइफ में। इंटीग्रेशन का कार्ड ये दिखा रहा है कि उन्हें ये चीज पता चल गई कि आप उनके ट्विन हो, ठीक है, आप उनकी ट्विन सोल हो, ये आपके पर्सन को पता चल गया है। आप और उन्हें ये भी पता चल गया है कि जो कनेक्शन आपके साथ है इनका,
वो ब्रह्मांड में दूसरा किसी और के साथ अब नहीं बन सकता, ठीक है, ये चीज भी इनको फील हो रही है। तो पहला कन्फेशन ये है कि मैं ये चीज समझ चुका हूं, मैं ये चीज समझ चुकी हूं कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, और जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं, जो तुम्हारे लिए फील करती हूं, वो किसी और के साथ फील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो मुझे किसी और के साथ फील ही नहीं होता। जो कनेक्शन मेरा तुम्हारे साथ है, जो इमोशनल बॉन्ड तुम्हारे साथ है, वो किसी और के साथ नहीं बन रहा है, और मैं ये चीज समझ चुका हूं कि तुम मेरे लिए क्या हो, और मुझे पता है कि तुम मेरे क्या हो, ठीक है। पहला कन्फेशन ये है गाइस। दूसरा यहां पर ये है नथिंगनेस। नथिंगनेस का कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन अभी अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, ठीक है, या फिर अभी इनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनको ये चीज पता चल गई कि आप इनके क्या हो, तो यानी कि ये अभी अभी इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल कर आए हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी चल रहा हो ये प्रोसेस और इनको रियालिटी थोड़ी थोड़ी करके समझ में आ रही हो, क्योंकि मुझे ब्लैक और ब्लैंक एनर्जी यहां पर फील हो रही है। ये तभी फील होती है गाइस जब आपको सोल शॉक लगता है, जब आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, तभी आपको इस तरीके से फील होता है कि लाइफ के अंदर कुछ नहीं बचा, चारों तरफ आपको अंधेरा नजर आता है। अगर आपको कहीं से उम्मीद की करण दिखाई देती है तो वो है सिर्फ डिवाइन, तभी आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हो, तभी आप उनकी तरफ हाथ खड़े करके बोलते हो कि अब बचा लो। ये वाला जो फेज होता है ना गाइस लाइफ में, इसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, ठीक है। जब आपको पूरी तरीके से आपकी लाइफ में ब्लैक दिखाई देने लगता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि लाइफ में अब सब कुछ खत्म, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मेरा क्या होगा, उस वक्त आप सिर्फ डिवाइन को देखते हो एंड वो आपको उस समय रास्ता दिखाते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि हाँ डिवाइन पावर होती है। उस समय आप रियलिटी में फील करते हो कि हाँ डिवाइन पावर होती है, ठीक है। तो ये इस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने और भी रीडिंग्स जो डाली हैं उसमें भी ये एनर्जी आई थी। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन यहाँ पर कोई झटके में हैं, यानी कि किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से पक्के में निकल रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, ठीक है, उनका मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी एनर्जीज में यही है अभी, और इनको रियलिटी धीरे धीरे समझ आ रही है इस कनेक्शन की, ये भी यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरा कन्फेशन आपके पर्सन का ये है कि हीलिंग का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये आपको ये बता रहे हैं कि वो आपकी हीलिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए, आपके बिना इनकी जिंदगी हो रही पूरी तरीके से ब्लैंक, ठीक है, कोई रंग इनकी जिंदगी में नहीं है, और आपके बिना इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये जिंदगी ही नहीं चाहिए। इस वक्त जो इनको झटके लग रहे हैं, आप भी नहीं हो इनके पास इनको हील करने के लिए, तो इनको बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ जाए, यू नो घुटन सी हो रही है आपके पर्सन को। तो ये आपको यहाँ पर यू नो ये चीज आपसे कन्फेस कर रहे हैं कि ये आपकी हीलिंग को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये चीज समझ में आ रही है कि पहले कभी भी ये परेशान होते थे या इनको कोई भी दुख होता था तो ये तुरंत आपके पास आ जाते थे, आप इन्हें हील कर देते थे, आप इन्हें संभाल लेते थे, आप इनकी सारी परेशानियों को दूर कर देते थे, आप इन्हें अच्छा फील कराते थे। अभी फिलहाल जो एनर्जीज इनकी है, अब कोई ऐसा बचा नहीं इनकी लाइफ में जो इनको अच्छा फील कराए या फिर इनको हीलिंग दे, तो इस वक्त ये आपकी हीलिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और ये चीज बोल रहे हैं ये आपसे कि मुझे समझ में आ गया है कि मेरे दर्द पर सबसे ज्यादा मरहम हमेशा तुमने लगाए हैं, और आज जब तुम नहीं हो तो मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। ये उनका दूसरा कन्फेशन है। तीसरा, माइंड। आपके पर्सन आपके पास होते तो आप इनको किसी तरीके से गाइड कर देते, या फिर आप इनको अच्छा फील करा देते, या आपको इनकी लाइफ में इनको इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता बता देते। एक तरीके से आप एक अच्छे पार्टनर की तरह हमेशा से बिहेव करते आए हो, आपने अपने पर्सन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व किया है। फिलहाल इनको हीलिंग भी नहीं मिल रही, अब इनको इनकी लाइफ में रास्ते भी नहीं मिल रहे। जब ये इस तरीके की एनर्जी में है तो रास्ता तो सिर्फ डिवाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइन से अगर आपके पर्सन इतना ज्यादा अलाइनमेंट में नहीं रहते हैं, डिवाइन से इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि पास्ट में आप एक ऐसे जरिया थे जिसके थ्रू ये डिवाइन से कनेक्शन बना पाते थे, ठीक है। आप क्योंकि इस तरीके के इंसान थे जो इनकी हेल्प करते थे, तो कहीं ना कहीं इनको डिवाइन पर विश्वास होता था कि हाँ अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं, तो वो डिवाइन पर भी विश्वास कर पाते थे। लेकिन अभी फिलहाल आपके पर्सन की हमेशा से ऐसी आदतें शायद रही हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स को अपने खुद के हाथों में लेते हैं, ठीक है, और दिमाग से बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि
देखिए जो इंसान डिवाइन पर विश्वास करता है गाइस, उसको जब डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है तो वो सरेंडर करने में सेकंड्स नहीं लगाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है डिवाइन को सरेंडर करना, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए हमेशा से ऐसा होता है कि सारी प्रॉब्लम्स को मैं खुद संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, तो वो लगातार ओवर थिंकिंग करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं चीजों को सुलझाने की। वही चीजें आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे नजर आ रही है। तो आइए आपको यहाँ पर ये भी कन्फेस कर रहे हैं यहाँ भी कि अभी तो मेरी लाइफ में नहीं हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरी लाइफ पूरी तरीके से झंड हो गई है इस वक्त, एंड सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो चुका हूं मैं सोच सोच के, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे कोई हीलिंग नहीं मिल रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। आपके पर्सन इस तरीके की कन्फेशन दे रहे हैं यहाँ पर कि मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर सौरव की एनर्जी फिर से दर्द दुख, इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है एडवेंचर, ठीक है। इनका जो अगला कन्फेशन ये है कि मैं बहुत ज्यादा दुख में हूं और मेरी जिंदगी में लगातार एक के बाद एक नई मुसीबत आ जाती है, एक खत्म होती है फिर दूसरी आ जाती है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में। इनकी लाइफ बिल्कुल मक्खन नहीं चल रही, सीधी सादी, ठीक है। कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, और लगातार लेसन मिल रहे हैं, ठीक है। जब भी आप अवेकनिंग से गुजरते हो तो गाइस ट्रिगर मिलते हैं, ट्रिगर इसीलिए मिलते हैं ताकि आप अपने आप को चेंज करो। वही आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि वो आपके बिना बहुत ज्यादा दुखी है। अभी आप इनकी लाइफ में होते तो ये इनका दुख, मतलब ऐसे कह लो कि अभी 100% दुखी हैं आप इनकी लाइफ में होते तो ये 30-40% दुखी होते, बस 60% इनका दुख खत्म हो जाता, मर जाता बिल्कुल इनका दुख 60%, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन होता है, आपके साथ जो एनर्जीज इनकी होती है कनेक्ट, ठीक है, तो आप काफी ज्यादा पॉजिटिव रहते हो और वो थोड़े से नेगेटिव होते हैं, तो आप उनको अपनी एनर्जी सप्लाई करते रहते हो तो उनको भी पॉजिटिविटी मिलती रहती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं तो ये इतनी आसानी से सरेंडर भी नहीं करते, बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, कोशिश करते हैं चीजों को सुलझाने की। यही एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि इस वक्त इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। सो ये यहाँ पर ये मैसेज भी दे रहे हैं कि तुम्हारे बिना मुझे ये समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब देखिए आपके पर्सन चीजें तो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में आप इनकी इतनी हेल्प कर रहे थे, आप इनका राइट हैंड बने हुए थे, हो सकता है इस चीज का क्रेडिट इनको इन्होंने पास्ट में आपको दिया ही नहीं, मतलब आप इनका राइट हैंड थे, आप इनकी बहुत हेल्प कर रहे थे इनडायरेक्ट वे में, लेकिन इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, इनको ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें ये खुद ही कर रहे हैं। लेकिन जब ये इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में गए तब इनको ये चीज समझ में आई कि आप इनकी लाइफ का कितना जरूरी हिस्सा हो। तो यहाँ पर ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि इन्हें ये चीज समझ में आ गई है, मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि तुम मेरी लाइफ का वो हिस्सा हो जिसे मैं भुलाकर भी नहीं भुला सकता, ठीक है। और यहाँ पर इनको ये भी समझ में आया है कि आप उनकी लाइफ में कितना उनकी मदद अभी तक करते आए हो, ठीक है। जब इस बार आप नहीं हो तो उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, ठीक है। ये चीजें भी इनको यहाँ पर समझ में आई, तो एक कन्फेशन है गाइस उनका कि आप उनकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण हो, गाइस आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपके बिना जो इनकी एनर्जीज है ना वो क्लियरली बता रही है कि इनको इस वक्त आपकी जरूरत है, ठीक है, बिल्कुल इनकी इनको आपकी जरूरत है। जैसे इंटीग्रेशन का कार्ड दिखाता ही है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस। अगर आपके पर्सन ने पास्ट में ये सोचा था कि ये आपसे ऊपर है या फिर ये डोमिनेट कर सकते हैं, आपको झुकना चाहिए, ठीक है, ये इस तरीके से मैस्कुलिन फेमिनिन को बराबर अगर नहीं मान रहे थे पास्ट में गाइस, तो इन्हें ये चीज समझ में आया है कि रियालिटी में आप इनकी शक्ति है, ठीक है, रियालिटी में आप इनका अदर हाफ है, आप अगर इनकी लाइफ में होते तो इनको शायद इतना दुख नहीं देखना पड़ता, शायद ये एनर्जीज बैलेंस्ड हो जाती और आप लोगों को थोड़ी सी आप लोगों को यू नो कम यहाँ पर सहन करनी पड़ती, ठीक है, आपको हीलिंग मिल जाती। इस तरीके से आपके पर्सन यहाँ पर सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो अभी फिलहाल में आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं आपको कि बिल्कुल अपना अदर हाफ, ठीक है। यहाँ पर गाइज लेटिंग गो और अंडरस्टैंडिंग, आपके पर्सन का अगला कन्फेशन ये है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें लेट गो किया और मैंने इस कनेक्शन में समझदारी नहीं दिखाई। लेटिंग गो अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में आपको लेट गो किया है, ठीक है, इन्होंने इमोशंस को नहीं समझा, ठीक है, इन्हें लगा कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत आसान है लेकिन जिंदगी पैसों से चलती है या फिर जिंदगी बाकी चीजों से चलती है, बाकी चीजों को देखकर डिसीजन लेने पड़ते हैं। इन्होंने
प्यार नहीं समझा, इमोशंस नहीं समझे, बाकी सारी चीजों को समझा। तो अभी आपके पर्सन बोल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की कार्ड से कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने नहीं समझा, मैंने तुम्हें लेट गो किया, जबकि मुझे तुम्हें लेट गो करने की बजाय बाकी चीजों को लेट गो करना चाहिए था। जो समझदारी इनको पास्ट में नहीं आई गाइस, वो इनको अभी आई है डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पर्सन ये कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें नहीं समझा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने तुम्हें लेट गो कर दिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, सबसे ज्यादा मुझे तुम्हें समझना चाहिए था यहाँ पे। अगला कार्ड है गाइस लवर्स, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि हमारे बीच में जो बॉन्ड था वो काफी स्पेशल बॉन्ड था, ठीक है, हमारे बीच में जो कनेक्शन था वो काफी कनेक्शन स्ट्रांग था, एक सोल कनेक्शन था, लेकिन मैंने इस कनेक्शन को प्यार से संभालने की कोशिश नहीं की, मैंने इस कनेक्शन में दिमाग लगाया। ये कन्फेशन ही है गाइस, क्योंकि कंडीशनिंग का कार्ड ये दिखा रहे हैं कि इस कनेक्शन को प्यार की, नर्चर की, अच्छे से रखने की काफी ज्यादा जरूरत थी, केयर की जरूरत थी, जबकि यहाँ पर केयर ना दिखाकर यहाँ पर और दूसरी चीजें दिखाई गई। यहाँ पर ईगो दिखाया गया, यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, यहाँ डोमिनेट करने की कोशिश की गई, यहाँ पर चीजों को अपने माफिक चलाने की कोशिश की गई, यहाँ पर भावनाओं की कदर नहीं की गई। सो आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि जहां इस कनेक्शन को कंडीशन करने की जरूरत थी, जहां पर इस कनेक्शन को नर्चर करने की जरूरत थी, प्यार से रखने की जरूरत थी, केयर करने की जरूरत थी, वहां पर इस कनेक्शन में कुछ अलग ही चीजें की गई पास्ट में, और जो आपके पर्सन की वजह से हुई है, अगर उन्होंने ईगो दिखाया है, अगर उन्होंने इस कनेक्शन को साइड किया है किसी और के लिए, किसी और को प्रायोरिटी बनाया, तो आपके पर्सन यहाँ कन्फेस कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई कि मैं इस प्यार को नहीं समझा, मुझे इस प्यार को संभालने की जरूरत थी बजाय दुनिया को संभालने की, और मैंने वही किया, प्यार को ना देखकर दुनिया को देखा। ये उनका अगला कन्फेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन यहाँ पर ये मैसेज भी दे रहे हैं कि पहले से इनमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, आप जब से इनसे दूर हुए हो बहुत ज्यादा बदल गए हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ठीक है, और इनकी विश आप ही हो गाइस, ठीक है, इनकी विश ही हो, कन्फेस कर रहे हैं कि मेरी सारी विशेस, मेरे सामने ताजमहल भी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम नहीं हो तो मुझे खुशियां पूरी नहीं लगती, मतलब इनकी कंप्लीट विशेज आपसे ही पूरी होती हैं, इनको बहुत कुछ अगर इनकी लाइफ में इन्होंने अचीव भी कर लिया है तो इनको वो सारी चीजें खुशियां नहीं दे रही जब तक कि आप इनकी लाइफ में दोबारा से नहीं जाते। ये भी चीज वो कन्फेस करें कि मेरी खुशियां सिर्फ और सिर्फ तुमसे पूरी होती हैं, और तुम मेरी लाइफ में कैसे इंसान हो जिसने मुझे बदल के रख दिया, पास रहकर बदला तो बदला, दूर जाकर भी बदल दिया। ये भी कन्फेशन उन्हीं का है गाइस, ठीक है, गजब के कन्फेशन आपके पर्सन के। अगला है शेयरिंग एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। सो गाइस, आपके पर्सन ये भी यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी कमाया है अपनी लाइफ में वो बिना तुम्हारे पॉसिबल नहीं था। तुमने पास्ट में मेरी बहुत मदद की है, तुमने पास्ट में मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत सहारा बने हो तुम मेरा, तो जो कुछ भी मेरे पास आज है उन सारी चीजों पर तुम्हारा भी बराबरी से हक है, और उन सारी चीजों को मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है दिखाई, ये भी उनका कन्फेशन है गाइस, वो इस चीज को मानते हैं कि आपने उनका साथ दिया है, तो जो भी चीजें उन्होंने कमाई है उस पर आपका भी अधिकार है, तो वो सारी चीजों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो भी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की है, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में अपने टारगेट्स को हिट किया है, वो सारी चीजों को वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आप इनकी इनडायरेक्ट वे में बहुत हेल्प करते, लेकिन उसका क्रेडिट आपके पर्सन ने आपको दिया नहीं, लेकिन अभी वो कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि जो चीजें तुम कर रहे थे वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है, वो मेरे आंखों के सामने उस तरीके से नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था सब मैंने खुद किया है, लेकिन एक जो बैक सपोर्ट था वो तुम्हारा था, और ये मुझे अब समझ में आ रहा है जब दूसरी बार मेरे ऊपर ये दुख आया है या जो तकलीफ मुझे मिली है इसके बाद मुझे ये चीज समझ में आई है कि यस, तुम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, एंड तुम मेरे बहुत कर रहे थे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, एंड अब मैं वो सारी चीजों को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उस चीजों पर तुम्हारा भी हक है। इनोसेंस, आपके पर्सन यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भोले इंसान हो, बहुत इनोसेंट हो, और तुम्हारे जैसा इंसान किसी को भी मिलेगा तो वो लकी है, मैंने तुम्हारी भोलेपन का गलत फायदा उठाया है यहाँ पर, मैंने तुम्हारे भोलेपन को यहाँ नहीं समझा, उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। मुझे तो सारे कार्ड्स में जो सुनाई दे रहा है वो यही है कि मुझसे गलती हो गई, तुमने बहुत किया लेकिन मैं नहीं समझ पाया, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं और ये उनके कन्फेशंस हैं।
ओके सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपकी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू गाइस.